सांसद अमराराम कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सीकर में मोर बोल जाएगी, भोलगा साकेत डोटासराज माए मोरा। आपको लगता है कि बीजेपी समीकरण साधने में सफल रही है, जो हैट्रिक की बात कर रही थी? समीकरण कहाँ है भाई मेरे, बीजेपी तो 240 पे है, 272 चाहिए। अमराराम जी, सरकार क्या बीजेपी बना ली? बीजेपी की कहाँ सरकार है, सरकार के लिए 272 चाहिए। ठीक, बहुत बड़ी राजस्थान में बड़ी भूमिका वो कांग्रेस के पास। तो आप सुन रहे थे नवनिर्वाचित सांसद अमराराम को। इस बार गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले से, या कह सकते हैं कि उनके गृह लोकसभा क्षेत्र से इस बार वो चुनाव जीत कर आए हैं। वैसे वो कांग्रेस के नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और INDI गठबंधन के प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत हासिल की। और कांग्रेस के जीते हुए सांसद PCC दफ्तर पहुंच रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जयपुर से आ रही है खबर कि जितने भी कांग्रेस के जीते हुए सांसद, नव निर्वाचित सांसद हैं, वो PCC दफ्तर पहुंच रहे हैं और उनकी एक मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार 14 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में की, तो वहीं 11 सीटों पर INDI गठबंधन की जीत हुई है, जिसमें से 8 सांसद कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए हैं। और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुशियां मनाते हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत का जश्न मनाते हुए अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां पर मौजूद हैं और बाकी के कुछ और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आपको दिखाई दे रहे हैं नव निर्वाचित सांसदों को मिठाई खिलाते हुए। और आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कि इस बार चुनाव नहीं जीत पाए और कांग्रेस 10 सालों के बाद अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। 8 ऐसी सीटें रही जिस पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे शशि मोहन का रुख करते हैं। शशि मोहन, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं राजस्थान से, 10 साल का सूखा खत्म हो चुका है और राजस्थान में कांग्रेस इस बार काफी खुश नजर आ रही है इन परिणामों से। देखिए खुश होने की बात है ही, भले ही कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट नहीं लेकर के आई, लेकिन बीजेपी की हैट्रिक रोक दी। पार्टी का जो गठबंधन है, जिस भले जैसे BAP के लिए आपने बांसवाड़ा की सीट छोड़ी हो, RLP को नागौर की सीट दी हो, या फिर सीकर की सीट माकपा को दी हो, सीकर PCC चीफ गोविंद डोटासरा के गृह जिले की संसदीय क्षेत्र है और वहां से जीतना भी पार्टी के लिए, खुद डोटासरा के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि भी है। और इसीलिए अमराराम यहां पहुंचे हैं, संजना जाटव यहां पहुंची हैं, हरीश मीणा यहां पहुंचे हैं, PCC चीफ का स्वागत किया है, उनका आभार जताया है। और नेताओं का कहना है कि अधिकांश नेता उनके यहाँ पहुंचे, सभा की समर्थन जताया और इससे पार्टी को बड़ी जीत मिली है और पार्टी एक बार फिर से खड़ी होती हुई दिख रही है मजबूती से। और लोकसभा के लिहाज से आगे के ऊपर नजरें होंगी कांग्रेस की, लेकिन अभी ये महत्वपूर्ण जीत, जब पार्टी लगातार 2 बार अपने अस्तित्व के लिए, अपने अपीयरेंस के लिए लोकसभा चुनाव में जूझ रही थी, वहां अब तीसरे चुनाव में पार्टी को सीट मिली है। जी शशि मोहन, ये 8 सीटों पर जीतना, मैं बाकी के अगर गठबंधन घटक दलों को अलग हटाऊं, केवल कांग्रेस की बात करूं, ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी है। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के वो कौन कौन से नेता हैं जिनका कद बढ़ता या घटता नजर आता है? देखिए अगर कद बढ़ने की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कद में बढ़ोतरी PCC चीफ गोविंद डोटासरा की हुई है, क्योंकि एक लंबे समय का सूखा इन्होंने खत्म किया है। सचिन पायलट की रिमार्केबल कद है और अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री रहे हुए ही हैं 3 बार, तो उनके लिए तो कद का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसके साथ में ही जो नेता सांसद बने हैं उनके भी प्रतिष्ठा में, उनकी बात में वजन बढ़ेगा और उनका भी कद बढ़ा है। जी शशि मोहन, कांग्रेस की चुनावी रणनीति में इस बार ऐसा क्या खास रहा जो पिछले 10 सालों में नहीं था और जिस वजह से वो बीजेपी को पछाड़ने में कामयाब रही, या ये बीजेपी की कमी थी जिस वजह से कांग्रेस जीती, आप क्या मानते हैं? देखिए रणनीति तो आमतौर पर हर चुनाव के लिए अलग अलग होती है, हाँ, लेकिन पहले के चुनाव में जो रणनीति थी वो हर चुनाव में उसी को रिपीट करके चले तो काम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कुछ सरकारों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है,
कई बार जातिगत समीकरण कितने मजबूत तरीके से कोई साध सकता है उसके ऊपर नजर होती है। कई बार ये होता है कि जनता का रेस्पॉन्स किस चीज के प्रति कैसे आ रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस के नेता और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते या उनको इस चीज का इल्म नहीं हुआ और ये जनता नहीं जिता दी हो, ये भी एक चीज है। लेकिन पार्टी ने कोशिश की एकजुटता दिखाने की भी जताने की भी, हालांकि कुछ मोर्चों पर एकजुटता पूरी तरीके से नहीं दिखा पाई कांग्रेस, फिर भी अब नतीजा ठीक आ रहा है तो अंत भला तो सब भला कहकर कांग्रेस मान रही है जी। इसके बाद इन चुनावी परिणामों के बाद राजस्थान में क्या बदलाव हो सकता है? राजस्थान में अभी कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। पीसीसी चीफ के रूप में गोविंद डोटासरा के पास में कमान है, वो कंटिन्यू करेंगे। आने वाले समय में स्थानीय निकाय के पंचायती राज के चुनाव है, उन पर पार्टी को फोकस करना होगा और उससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 84 विधानसभा सीट है जहाँ से राजकुमार रोत जीते हैं, पहले विधायक रहे हैं वो सांसद बन गए हैं, खींवसर से हनुमान बेनीवाल विधायक रहे हैं, इसी तरीके से झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला और दौसा से मुरारी लाल मीणा जो भी विधायक भी है नवनिर्वाचित सांसद भी हुए हैं, तो वहां पर उपचुनाव होने उसकी तैयारी भी पार्टी करे। शशिमोहन, इसके साथ ही शेखावटी इलाके में कांग्रेस इस बार काफी मजबूत नजर आई और वहां से 3 सीटें इस बार कांग्रेस ने अपने खाते में हासिल की। शेखावटी इलाके का मानस क्या था, वहां का जनमानस क्या था जो कांग्रेस के इतना फेवर में गया, और कांग्रेस ने शेखावटी इलाके के लिए ऐसा क्या किया कि वहां के लोगों ने कांग्रेस पर इतना भरोसा जताया? देखिए, जनमानस ही सबसे बड़ी कुंजी होता है किसी भी चुनाव में, और जब लोगों के मन में कोई बात बैठती है, किसी पार्टी किसी व्यक्ति से अफेक्शन बढ़ता है तो वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको पार्टी ने एनकैश भी किया। पार्टी ने जिस तरीके से तालमेल किया, माकपा का कोई भी नेता चूरू में खड़ा नहीं हुआ, माकपा का कोई भी नेता झुंझुनू में खड़ा नहीं हुआ, उसका भी असर पड़ता है। आपने गठबंधन किया, आपने खुद की सीट छोड़ करके माकपा को सीकर की सीट दी, अमरा राम का बरसों पुराना सपना पूरा हुआ, ये सारी चीजें हैं जो मिलकर के जीत का कारक बनती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशिमोहन मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल